चेक करो गाइस, हायाबुसा को पार्किंग के लिए तीन बंदे चाहिए होती हैं। देखो और देखो, 1 2 3, तीन तीन बंदे गाड़ी को पार्क कर। लेकिन भाई फुटेज बहुत शानदार आ रही है। देखो मैं एंगल इसके बदल बदल के कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि भाई इससे ना इमेज बहुत ही शानदार आएगी। अरे यार, सो है गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज का जो सीन हो रहा है भाई, यहाँ से रूम से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ सब लोग रेडी हैं बिल्कुल, और मैं भी अभी बस बाल ही काटने से रह गया, मैं भी फुल रेडी हो चुका हूँ। एंड ये देखो सामने मेरा LCD वगैरह रूम में, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मिली भाई। और यहाँ मैं नेक्स्ट टाइम और कोशिश करूँगा, इधर आना होगा भाई तो मैं इधर ही शिफ्ट हो जाऊँगा। अच्छी फैसिलिटी थी और यहाँ भाई अपने रेडी हैं बिल्कुल, हेलो, कैसे हो सब लोग? भाई भाई और बिल्कुल सब लोग रेडी हो चुके हैं भाई मतलब हम लोग निकल रहे हैं आगरा के ताजमहल पे, ताजमहल क्योंकि पे क्योंकि चार्जिंग मैंने भी गोप्रो स्टार्ट कर रखा है, क्योंकि बला दिया भाई। डाउन था। तो अभी सब लोग रेडी हो ही चुके हैं लगभग। कहाँ गए सर? ओ रेडी रेडी, जी, हाँ भाई सर, हाँ लगा लो। नहीं मैं तो तेल भी यूज़ करूँगा भाई, तुम लगाओ। अभी लगाएंगे। तो भाई सभी लोग इधर रेडी हो चुके हैं और मैं भी कंप्लीट हूँ। मेरे वो शू अभी बाकी है, वो शू पहन लेता हूँ। मैंने अभी पॉलिश करके रखा हुआ है, थोड़ी शाइनिंग आ जाएगी। एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे। देखो बाहर कितना प्यारा वेदर हो रहा है, देखो इधर कोहरा ही कोहरा एंड इधर अच्छा हो रहा है। लेकिन यहाँ ताजमहल के पास नहीं मिल पाया रूम, आगे था थोड़ा सा, तो अभी वो भी सीन अच्छा है। तो भाई भी चलेंगे। कहाँ घुमाए भाई? बस बाहर देखिए, बाइक बाइक अच्छा सही की है, खड़ी है। सेफ हाँ है बिल्कुल। बाइक? सेफ है यार, जो उनके मुंह पर खड़ी तब भी सेफ नहीं होगी। तो पहले भाई पहले एक बार अभी देखिए, हम घूम के तो आऊँ। मेरी वाली तो सेफ है, भाई चलते हैं तुम्हारी पहले तो अपने बहुत बाइकों सेफ के है। पास, क्योंकि मुझे भी बाइक में कुछ इश्यू दिख रहे थे रात, वो उसको क्लियर कर लेते हैं एक बार चल के। तो इतने ही लोग रेडी होते हैं, फिर हम चलते हैं बाइक के पास में, ठीक है? बाय बाय। लोग रेडी हैं, निकल चुके हैं भाई और आगे चल रही है अपने हायाबुसा। एंड भाई चल रही है R15 एंड ड्यूक चल रही है भाई। सभी लोग रेडी हो चुके हैं इधर और हम लोग जा रहे हैं सीधा रेड फोर्ट की तरफ, सॉरी ताजमहल की तरफ जा रहे हैं। लोकेशन लगा रखी है भाई, तो देखते हैं आज लोकेशन सही बचाती है कि मिस गाइड कर दीजिए। और वैसे तो खैर हम आगरा की आउटसाइड लुक पर हैं इस टाइम, जो बाहर की लोकेशन थी, क्योंकि अंदर सिटी में व्यवस्था नहीं हो पाई थी, क्योंकि सीज़न चल रहा है भाई रूम्स का, तो सीन यही हुआ था भाई, अंदर नहीं मिल पाया था रूम। तो अभी चलते हैं भाई। वैसे तो यही था कि हम लोग ताजमहल के पास में ही रूम ले लें तो बेस्ट रहेगा, बट ऐसा नहीं हो पाया था। तो अब चल रहे हैं भाई। देखो ये सब ऐसे ही लग रहा है जैसे हम लोग मुरादाबाद में घूम रहे हैं, कुछ नया फील नहीं हो रहा, बट अभी ताजमहल पहुँचेंगे तो कुछ नया फील होगा, आपको भी नया लगेगा और इधर भी कुछ नया ही फील हो जाएगा। और यार एक सीन यहाँ पता है बहुत ही डेंजर है, वो सीन ये है भाई, अभी बताता हूँ, कार पे गाड़ी मोड़ते हैं भाई। सीन ये है भाई कि यार यहाँ ताजमहल के अंदर मोबाइल के अलावा किसी भी चीज़ की एंट्री नहीं है, मतलब हमारे 360 गोप्रो वगैरह सब ये बाहर ही रखे रह जाएंगे, किसी काम के नहीं रहे भाई। जब हम गोप्रो नहीं लेके जाएंगे अंदर तो मोबाइल से शूट करना पड़ेगा, पता नहीं कैसी क्वालिटी आएगी यार। आज मंडे का दिन है, सारे बच्चों का क्या रिएक्शन रहता है आगरा के अंदर, आगरा सिटी के अंदर भाई, बढ़ लो भाई कैसे कैसे यार, गाड़ी बीच में लगा रहे हो। भाई थ्रोटल चेक करो भाई, आया भूसा का तकड़ा चल रहा है भाई। ऊपर देख रहे हैं लोग बाहर के, ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है, बट नहीं पता नीचे वाला हवाई जहाज चल रहा। गाइस चेक करो भाई, इस टाइम भाई कितना प्यारा वेदर हो रहा है। ये आगरा सिटी और मैन सिटी में राइड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ताजमहल की तरफ और काफ़ी टाइम से भाई अंदर घूम रहे थे, क्योंकि लोकेशन नहीं मिल पा रही थी मैप पर, क्योंकि मैप ने भाई ऐसी ऐसी गलियां घुमा दी ना, तो हम लोग सपोज भी नहीं कर सकते यार। बस एतमादउद्दौला, मेहताब बाग, ताजमहल, पश्चिमी गेट, तो जो मेन गेट ज़्यादातर रहता है उसका पश्चिमी गेट ही माना जाता है।
ये भाई देखो रॉन्ग साइड में खड़ा हुआ अपाची, इसको तो यही नहीं मालूम यार कि खड़ा कहाँ होना कहाँ नहीं होना है। ये क्या फीलिंग है भाई, मतलब आधे लोग जा रहे हैं आधे नहीं जा रहे, क्या सीन हुआ, ये आधे तो भाग ही गए। ओह माय गॉड भाई आगरा में देख लो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे भाई ट्रैफिक वाले। अभी कोई यूपी का बंदा होता ना भाई, मतलब यूपी है ये भी, लेकिन जैसे बाहर की सिटी का नंबर देख ले तो भाई तुरंत पकड़ के चालान काट दे और कुछ नहीं करते भाई। अरे इधर है भाई, पार्किंग नहीं मिल पा रही है यहाँ, क्योंकि गाड़ियाँ और लॉकर भाई दोनों चीज़ चाहिए हमें, और दोनों की व्यवस्था होना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है इधर। तो भाई देखो बताया भाई ने कि आगे पार्किंग भी मिल जाएगी एंड लॉकर ही मिल जाएगा, तो लॉकर इस कंपलसरी एंड पार्किंग इस कंपलसरी भाई, क्योंकि बाइक सेफ नहीं रहती हैं। वैसे बहुत सारे लोग मिले भी थे बीच में कि हम खड़े कराएंगे, बट भाई वो पार्किंग बिल्कुल भी सेफ नहीं होती है, और बाद में फाइट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लीगल एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि पुलिस कहती है भाई आपने खड़े क्यों की यहाँ पर, आप तो पार्किंग में ही खड़े करते, ये लीगल पार्किंग नहीं है। तो हमेशा याद रखें भाई, कभी भी अगर ऐसा हो तो हमेशा लीगल पार्किंग में ही, रजिस्टर्ड पार्किंग में ही अपने वाहन को खड़ा करें, उसमें सुरक्षित है, गारंटी भाई पार्किंग वाले की होगी। तो अभी देखते हैं भाई आगे, ये ताजमहल का पश्चिमी गेट है, मेन गेट इधर ही है, ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो इधर ही आते हैं ज़्यादातर। ये देखो भाई टिकट रूम पार्किंग, चेक करो गाइस हायाबुसा को पार्किंग के लिए तीन बंदे चाहिए होती हैं। देखो और देखो 1 2 3 तीन बंदे गाड़ी को पार्क करा रहे हैं इधर, क्योंकि भाई बहुत हैवी बाइक है ये। तो अभी पार्किंग में ला के फिर भाई अंदर की तरफ चलेंगे। सो गाइस फाइनली हम लोग जा रहे हैं अभी क्या सीन है ये, हम इंस्टा 360 है भाई, वीडियो बना रहे हैं, किस लिए पहले ही बना लो भाई, पहले ही मजे ले लो, पता चले कि अंदर जाके मजे लेने में भाई कोई भी 360 नहीं, अभी नहीं खाना मैं बाद में खाएंगे भाई। यहाँ पे तरबूज बिक रहे हैं, तरबूज नहीं सॉरी अमरूद, कभी कभी खरबूज भी तरबूज, लेकिन भाई फुटेज बहुत शानदार आ रही है। देखो मैं एंगल इसके बदल बदल के कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि भाई इससे ना इमेज बहुत ही शानदार आएगी। अरे यार बदल ले कभी पे क्या, बट ट्रेस कर रही है इसको भाई, बदल ले भाई, शानदार व्यू दिखाई दे रहा भाई। और एक काम करते हैं इसको ना भाई रोक देते हैं भाई वीडियो, और उसके बाद में जब अंदर जाएंगे ना तो वहाँ पर लेंगे भाई क्या क्या वीडियो, अच्छी वीडियो शानदार वाला शो।